I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरविंद मनास और आज का व्लॉग बड़ा खास होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सीनिक व्यू। इस वक्त मैं हूं आश्रम जिब आश्रम और आप यहां का सीनिक व्यू देख सकते हैं। तो जब मैं यहां पे आया तो मुझे लगा यार क्या खूबसूरत जगह है, अनटच्ड ब्यूटी, पूरा प्लेन इलाका, खाली इलाका। और ये देख लीजिए, और इतना ज़बरदस्त व्यू, नीचे पानी, नाला। इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और ये जो नीचे नाला है, इतना साफ पानी है यहाँ पर कि देखते बनता है। तो अभी हम आपको आगे इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से रेलवे ट्रैक भी एक कटरा के ले जाता है, हम वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का भी सीनिक व्यू देखेंगे और आपको साथ साथ में बताते जाएंगे इस इलाके के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे युवा जेके रिपोर्टर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। रेलवे स्टेशन चक्रखवा, आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन रुकती भी है थोड़ी समय के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर, कोई नहीं दिख रहा है सिवाय हमारे। पीछे से आप पूरा मतलब देख, बड़ी खूबसूरत और शानदार रेलवे स्टेशन कटरा और उधमपुर को जोड़ने वाला। एक भाई साहब अभी आ रहे हैं से जानेंगे कि क्या यहाँ पे रेल रुकती है या नहीं। भाई मैं पहले ऐसे रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ और बंदा कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। अब देखें खाली, बिल्कुल बिल्कुल खाली ट्रैक है, रेलवे स्टेशन है। मैं आपको आगे वाले कैमरे से, फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, दिख रहा है कोई? बस अब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ट्रेन आएगी तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, और ट्रेन आएगी तो आपको ट्रेन के दर्शन कराएंगे यहाँ पर, जो माता वैष्णो देवी के लिए जाती है। बिल्कुल इससे आगे सीधा माँ वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन है। तो मेरे साथ बने रहें और ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हमने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है और अब हम निकल रहे हैं वापस। 3 घंटे बैठने के बावजूद ट्रेन नहीं आई, तो अब हम सोच रहे हैं नीचे वापस चले। तो ये हमारा रेलवे स्टेशन जो चक में है, उसका व्यू। ठीक है गाइस, अब हमें दीजिए इजाज़त और मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जय श्री राम।